real one. Haunted kebab, real 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 fun. Karte kaand khule aam, real 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 fun. Mauj chale subah shaam, real 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 fun. Chaat shaat dhar denge, real 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 har dikkat kar denge. Hawa ki awaaz aa rahi hogi, aur ek baat bolna chahta hu. Miss kar rahe the na? Kise? Kar rahe the na? Kise? Hame aur kise karenge yaar? Lekin maine to bada miss kiya yaar. Sachi mein. और चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं और साथ में चलो, क्योंकि मैं अच्छे से ये ट्रिप आपको भी एंजॉय करवाना चाहता हूँ और हम भी इसको एंजॉय करना चाहते हैं. और हवा की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आई थिंक सो, तो बाघ अवॉइड करना है और करा लिए सारे सेट बाल. जा रहे हैं नैनीताल. रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं, निकल गए हैं. बड़ा मुश्किल ट्रिप था, रास्ते में मिलके बताते हैं और चीज़ें. टाइम 2:30 बज गए हैं. सुबह के हो रहे हैं ऑलमोस्ट क्या यार, 5:34 हो रहे हैं सुबह के. और कहाँ पहुँचे अभी हम यार? अभी हम मुरादाबाद पहुँचने वाले. अभी मुरादाबाद पहुँचने वाले हैं. 5:40 हो गए सुबह के. ठीक है, अच्छा चल रहा है सफ़र और मज़ा आ रहा है. और थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा कि देखो, मैं चाहता हूँ कि ये जो व्लॉग हो थोड़ा सा आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिले. अच्छी जगह है नैनीताल घूमने के लिए. वैसे तो वोल्वो से आ जाओ, ISBT से मिल जाती है. और अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हो ना, तो मैं बताऊंगा बेस्ट रूट कौन सा है. पहले तो सीधे आते रहो, गाजियाबाद जो वाला रूट है वो पूरा सीधा आ रहा है. कहाँ से? अक्षरधाम से सीधा, कहीं नहीं उड़ना आपको मुरादाबाद तक. मुरादाबाद के बाद एक कट आएगा, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा. वो पहले वाली वीडियो में भी दिखाया था, इसमें भी दिखा दूंगा. देख लेना ध्यान से यार. अरे हम निकले भी लेट थे थोड़ा, हम काफ़ी लेट ही निकले थे, आपको टाइम भी दिखाया था शायद. कोई नहीं, आराम से पहुंचेंगे धीरे धीरे. अपने को कौन सा कहीं किसी की हाजिरी बजानी है, चल देंगे भाई. लेट निकले लेट से पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है. अगर जैसे सीधे आएंगे ना, उसी रोड पे आगे जाके ये दिख रहा है आपको रामपुर, सीधा जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क इधर. तो ये वाला कट अंदर जा रहा है, यहाँ से आपको लेफ्ट हो जाना है और आगे जाके बोर्ड आएगा नैनीताल राइट, 101 किलोमीटर सीधा नैनीताल. तो प्लान में चेंज है, नैनीताल नहीं जा रहे, नैनीताल से जा रहे हैं. नैनीताल से जा रहे हैं. उन्होंने फोन किया नैनीताल में, तो पता लगा है कि भैया जाम हो रो, बहुत भीड़ है, बहुत लोग वहीं छुट्टी मनाने गए हैं, पैसा लोगों पे ज्यादा आ गया है. अच्छा यार, लोगों बड़े घूमने लगे हैं यार अब तो. और ये अच्छी बात भी है, पहले लोग इतने घूमते नहीं थे. तो नैनीताल पूरा पैक्ड है. और मेरे को सलाह दी गई कि भाई नैनीताल बिल्कुल मत आओ आप नैनीताल में. अपने एक जानकार है और उन्होंने मेरे को बोला कि नैनीताल आप मत आओ, बिल्कुल पैक्ड है, आपके मतलब का होटल नहीं मिलेगा. ये जाके नैनीताल, पहले तो नैनीताल ही जाना पड़ेगा. एक घंटे से पहले पहले मैं नैनीताल पहुंचना है और वहां पे जाके देखते हैं कि फटाफट क्या करना है, क्या प्लान है और अब कहाँ जाना है. और ब्रश भी नहीं किया तब से. ये लिखा हुआ है सावधान, आप वन्य जीव बाहुबली क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, कृपया वाहन की गति धीमे रखें. और ये है पूरा जो जंगल है काला डुंगी का. और यहाँ पे क्या होता है, जो क्या होता है, हमें यहाँ पे मिल जाते हैं बड़े बड़े, एक मिनट शेर बड़े बड़े लेके खड़ा हूँ. कोई शेर सार मिल गया तो बचा लूंगा भाई को, कोई दिक्कत नहीं है. चलो ब्लॉग स्टार्ट करो ना. ब्लॉग स्टार्ट है भाई. अच्छा तो यही है काला डूंगी. ये काला डूंगी है और पीला डूंगी आ गया है. अभी तो यार बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि
वहाँ पे दिक्कत चल रही है नैनीताल में, लेकिन कोई नहीं, जाते हैं देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आठ तो यहीं बज चुके हैं और बोला था 8 बजे के बाद आओगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन फ़ायदे नुकसान का फिक्र ना करते हुए हम अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा हो गया नहीं, नहीं ज़्यादा क्यों गया, और अभी डिसाइड ही कर रहे हैं कि कहाँ। और भाई अभी तो घूमते फिरते जाएंगे, चाहे कितना ही ज़्यादा हो जाए, आराम से रुक रुक के इंजॉय करेंगे पूरा। हाँ बाकी आप भी इंजॉय कर लो। तो नैनीताल जा रहे थे तो बीच में रुक गए हैं यहाँ पे एक जगह छोटी सी, और पहले भी रुके हैं हम यहाँ पे। तो ये व्यू है इस पूरे जिम कॉर्बेट के जंगल का सामने, और ये वो है वो आशिकों का घर, और ये आशिकों का घर है जो हमने पहले भी दिखाया था, जो आशिकी में सारे चूर हो रखे थे, आप देख रहे हो ना नाम वाम लिखे हुए सारे। चलो अब आपको मैं एक दूसरी कहानी की तरफ ले चलता हूँ। हाँ एक्सक्यूज मी। अच्छा मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, और बताना क्या चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो तुम वीडियो में एंड वेंड में यार ये बोल रहे हो ना कि लव यू है, ये किसको है लव यू? कि लव यू गुड नाइट है, अबे इन्हीं को तो यार, किसको है? नहीं नहीं किसी और को है क्या? ना ना इन्हीं को है सबको। अच्छा चलो ये बात छोड़ो, अब तुमने क्लियर कर दी बात, कभी सच्चा प्यार किया क्या? तो क्या हो गया तेरे को? यार यहाँ पे आके मैं बताता हूँ ना फील आ जाती है प्यार व्यार वाली। तब ये तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कभी सच्चा प्यार किया गया? टेंशन मतलब तेरी शादी के बाद तेरे हनीमून की पूरी स्विट्जरलैंड में कराएंगे, वो तेरे को भी वहाँ भी यही फील आएगी। अरे मैं पूछ रहा हूँ कभी सच्चा प्यार किया तो मेरे शादी और स्विट्जरलैंड में पहुँच के सच्चा प्यार। हाँ ये चेहरे पे स्माइल है चेहरे पे स्माइल है। हाँ चल तू आज पूछ रहा है तो बता देता हूँ और इन सबको भी बता देता हूँ, सच्चा प्यार क्या? जल्दी, मैंने तो वफा की थी, उसी ने दिल तोड़ा मेरा। अच्छा मतलब ये बात हो गई क्या? मैंने तो वफा की थी, उसी ने दिल तोड़ा मेरा। हाँ। और एक दिन फोन करके पता क्या पूछती है? क्या क्या याद आती है हमारी? फिर तुमने क्या जवाब भी कह दिया? अजी लड़ा मेरा। तो चलो अब इस बात को खत्म करते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ ये जंगल ही है और जंगल में मंगल चलता रहता है। और चलते हैं भाई अब कहाँ पे? नैनीताल चलते हैं, नैनीताल। और शूटिंग वूटिंग चल रही है यहाँ पे ऑलरेडी, टिकटॉक की वीडियोस बन रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि होटल हमने ले लिया है और नैनीताल से 6.5 किलोमीटर आगे लिया है भीमताल वाली रोड पे, क्योंकि आपको पता कहीं मिल नहीं रहे थे, और बहुत ही अच्छी जगह है। इस पहाड़ की जो खासियत है ना इस वाले की, वो ये है कि यहाँ पे जब कोई गिरता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, बट वो एक्चुअली में वो मर ही जाता है, मर ही जाता है। तो इस पूरे जगह के पहाड़ की एक खासियत है, आपको नहीं बताओ, आप कभी आओगे तो यहाँ पे कम लोग आपको बताएंगे ये। देख रहा है ड्राइवर एक बार, और अगर आपको लगे ट्राई करना चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको लगना बहुत ज़रूरी चाहिए, ठीक है। और अगर ट्राई नहीं करना ना, ट्राई नहीं करना तो शेयर कर देना, आप आना मत, मजाक है। गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे पीछे, वो खड़ी गाड़ी। और एक एडवाइस दूंगा, मान लेना अगर कुछ माननी हो तो, वरना तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को, कि भाई मई और जून में क्या करने का है? आने का नहीं। क्यों? क्योंकि भीड़ मिलेगा यहाँ पे, और तुमको दिक्कत होएगा, रहने का दिक्कत होएगा, गाड़ी खड़ी करने का दिक्कत होएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होएगा। तो जुलाई वुलाई में आने का भाई, यहाँ पे ऑफ सीजन ही आओ, जब भी आओ। एक तो होटल्स मिलेंगे नहीं, रश इतना ज़्यादा होगा, मज़ा आएगा नहीं। अगर बंदे दिल्ली से इतनी दूर या फिर कहीं से भी इतनी दूर आते हैं तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो थोड़ा सी शांति उनको मिल सके, और शांति तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको, शांति भी मिल जाएगी, बहुत सारी और मिल जाएगी। लेकिन लेकिन मेन चीज़ क्या चाहिए अपने को लाइफ में? अपने को चाहिए क्या? मजा। और जो 1000 वाले होटल है भाई, 2000-5000 में मिलेंगे, और जो 10 रुपए की चीज है वो 50 रुपए में मिलेगी, तो बेटर है इस टाइम पे ना हो।
फोकस 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 आया 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 देख यार कम से कम 40 या 45 बार आ चुका हूँ नैनीताल और 5-6 बार तो ये भी आ चुका है भाई मेरे को है ना ये लगा लो ये एडिक्शन है जब तक मैं दिल्ली में एक महीना कंप्लीट मतलब रह लिया ना अगर मैं तो मेरे क्या हो जाता है हेडेक हो जाता है सर में दर्द बोले तो और सबसे मेन बात ये है कि मेरे फेफड़ों को फिल्टर करने के लिए नैनीताल चाहिए भाई को नैनीताल हो मनाली हो कोई भी हो दूर हो दिल्ली से बाहर निकलना है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन काम का लोड ये सब कम करने के लिए दिल्ली से बाहर क्या करना निकलना जरूरी है और मैं बहुत आया हूँ यार यहाँ पे तो मैं सबसे ज़्यादा आया हूँ नैनीताल में और मैं यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मतलब एक मिनट मैं पहले 20 मिनट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आया हूँ बहुत बार आया हूँ आप समझ सकते हो ठीक क्या पर्पज़ होगा मेरा गलत मतलब नहीं है बिजनेस डील के लिए और आप कंटिन्यू अरे हाँ कंटिन्यू सुनो भाई भाई की बात पूरी यहाँ के जो सबसे प्लस पॉइंट है जो कहीं भी नहीं है ना मनाली ना मसूरी ना शिमला वही है ये लेक जो पीछे दिख रही है यहाँ का सबसे प्लस पॉइंट है जो जो मैं चीज़ें करता हूँ यहाँ पे आके वो आज इस व्लॉग में करते हैं मतलब घूमने फिरने वाली ये चीज़ें जो करते हैं ये घूमने फिरने वाली करेंगे अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ यार इस पूरी सीज़न में मैंने एक खाया नहीं तो ये मुझे यहाँ पे $8 का पड़ा है तो आप सोच सकते हो कितना महंगा है यार यहाँ पे तो ये $8 का पड़ा है और मतलब विदाउट सीज़न आओगे तुम्हें 6 या $5 का मिलेगा तो यहाँ पे इस महंगाई का हिसाब किताब चलता है यार तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं भाई CCD कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद चलते हैं यहाँ की तिब्बतन मार्केट मेरे को इंटरेस्टेड नहीं हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए चल रहे हैं वहाँ पे लड़कियों के एक से एक माल मिलता है मतलब पहनने का कपड़ा ज्वेलरी चलते हैं पहले तो CCD अरे अब ये भुट्टा जो भी इंग्लिश में कौन बोलते हैं अब ये सीधा जाएगा डस्टबिन में तो गलत मतलब ना निकाले दोस्तों और कूड़ा फैलाना नहीं है आपको पता है मॉल रोड यहाँ की सबसे साफ मॉल रोड है स्वच्छ भारत अभियान नैनीताल में कहीं भीड़ मिले ना मिले यहाँ जरूर मिलेगी आइसक्रीम वाले कुल अलग है लक्की ड्रॉप ऊपर निकले हुए ना यहाँ कूपन निकले हुए भाई सबके भीड़ लगी हुई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा Can I have one regular cappuccino and one vegan shake? Vegan shake, black coffee. Sorry? Black coffee. Okay. Go ahead. It's Sagar Tiwari. सागर बीमारी भी लिख सकते हैं हाँ बीमारी लिख लो बीमारी तो मुझे बचपन में हुई थी एक बार मुझे याद है आज वो दिन कैपुचिनो में एक जो सबसे कैपुचिनो में वनीला फ्लेवर दे दो आप वनीला चल रहा है ना आजकल लेटेस्ट मार्केट में तो अच्छा हाउ मच टाइम इट विल टेक 3 इयर्स 3 इयर्स नहीं नहीं आई एम आस्किंग हाउ मच टाइम इट विल टेक अभी कितना टाइम लगेगा आपको 5 मिनट्स ठीक है थोड़ा जल्दी करवा दो सर ठीक है थैंक यू सो CCD में क्या क्या ऑर्डर करा है दिखा देता हूँ एक बार आपको ऑर्डर करा है कॉफ़ी शेक और ये हमारे सर बैठे इससे इससे बढ़िया एक बात हूँ पता नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा गुरुद्वारे के बाहर जो रोबजा मिलता है ना वही लंगर वाला वही लाइफ में ना लाइफ में वही रोबजा चाहिए और वही टेस्ट चाहिए और ऐसा बनाने वाला भी चाहिए जो मज़ा आया तो मज़ा आना चाहिए लाइफ में जीने में मज़े करने चाहिए लाइफ में अच्छा सबसे मेन चीज़ है सबसे जो CCD की सबसे अच्छी चीज़ होती है वो क्या होती है तू बता मैं बताऊँ क्या अच्छी चीज़ है मैं तो बुरा ही बता सकता हूँ अच्छा ही तो पता ही नहीं जो तेरे को पर्सनली सबसे अच्छी लगती है एक चीज़ बता दे जो मन में मुझे CCD का सबसे अच्छा जो लगता है यहाँ का एम्बियंस लगता है लाइक थोड़े समझदार लोग आते हैं उम्मीदार क्यों इस चीज़ में तू गलत है समझदार यार भाई मुझे बताना है ना यार जो मुझे लगा मैंने वो बोला बोलो तो अब तुम बताओ सबसे तगड़ी होती है यहाँ की लाइटिंग वो आपको वीडियो में दिख रही होगी गाना सही लग रहा हूँ सबसे अच्छी है यहाँ की लाइटिंग और सबसे बुरी ये हाँ
थाड़ ने दिया था कुछ भर के नहीं, इसमें बर्फ गिर थी। अच्छा सबसे अच्छी चीज़ है मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ मैं CCD जरूर आता हूँ यहाँ के, और क्योंकि यहाँ का CCD का मेरे को ना एम्बियंस बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे है और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि आप पूरी आपको यहाँ से ये देखो झील दिखती है, ये पूरी झील है और अभी चांद है ना आज काफ़ी उधर है, ये यहाँ पर आएगा ना जब तो ये पूरा झील के अंदर चमकता है और हे जब तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी पियोगे ना तो फीलिंग आ जाएगी। अब मेरी तो किस्मत ख़राब है जो मुझे देख रहे हो कैसे कह रहा जो मुझे भाई के साथ पीनी पड़ रही है, लेकिन यार हेलो मेरी भी किस्मत ख़राब है, तुम इतने टाइम से देख रहे हो हर एक ब्लॉग में हम ही तो लिया ना अपनी गर्लफ्रेंड को लिया कर भाई भाई जब गर्लफ्रेंड होंगी तभी तो लाऊंगा जबरदस्ती तुम्हें बता दो रखा कितने टाइम से यार नहीं है कोई सही है सही है। आप सबको बता देता हूँ कि आप ये बार बार सोचते होगे कि लाइक गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बातें कि हम गर्लफ्रेंड की बातें कर देते हैं वो एक यार वो इट्स जस्ट फॉर फन एक मस्ती है सोचते हैं मस्ती और हम ये भी पर हम जरूर चाहते हैं। मैं तुम्हें एक पर्सनली चीज बताता हूँ कि मुझे है ना हॉन्टेड वीडियोस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ये शायद तुम्हें बात आज अजीब लग रही हो लेकिन ये बात सच है कि मुझे हॉन्टेड वीडियो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे को मैं अभी तो बोलता हूँ यार क्योंकि यार वहाँ पे जाके आपको सब पता है यहाँ गए ये चीज़ है शुरू में इंटरेस्ट था आपको दिखाने का, अब हम क्या दिखाएं चलो ठीक है वो चीज़ हम ये नहीं कह रहे कि वो चीज़ हम नहीं करेंगे करेंगे और ऐसी ऐसी जगह करेंगे जो कि बच्चे जो चैनल है वो तो कर भी नहीं सकते तो यही है, लेकिन व्लॉग्स में ना जो हम आपको एक्सपीरियंस देना चाहते हैं और जो हम आपको फील कराना चाहते हैं वो नेक्स्ट लेवल है। और हमारी एक हॉन्टेड स्टोरी के मतलब हमारे हॉन्टेड वीडियोस में सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, सिर्फ वहाँ की कहानी चेंज होगी, जो हर जगह की कहानी अलग होती है बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हाँ। तो इसलिए हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, यहाँ जाके हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं, आप लाइक हम यहाँ पे क्या फील कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ साथ आपको भी ये जगह घुमाऊँ और आपको फील कराऊँ एक्सपीरियंस कराऊँ, मैं दोनों हम दोनों यार मतलब मैं जब बोलता हूँ तो मैं तेरे को इंक्लूड करके मैं अपने में बोलता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है हम दोनों एक हैं तो यार एक ही है 24 में से कम नहीं तो 4-5 घंटे के लिए अलग होते हैं बस साथ रहते हैं पूरा टाइम यार जब काम साथ है बिजनेस साथ है और साथ रहेंगे तो क्या फिर हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना और 4-5 साल ही है भाई जिनके अंदर थोड़ा सा कुछ करना है तो बस यही है सब कुछ बाकी आप इंजॉय करो हमारा व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया होगा ऐसे ऐसे ज्ञान और भी देते रहेंगे कोई दिक्कत है नहीं ऐसे। तो नैनीताल जो सबसे ज़्यादा यहाँ की मॉल रोड मशहूर है वो इसलिए मशहूर है कैंडल के लिए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिज़ाइनर कैंडल्स मिलती हैं बहुत अलग अलग तरीके यूनिक कैंडल्स मिलती हैं, यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स हैं कैंडल्स की तो लोग ज़्यादातर आते हैं अपने लाइक घरों के लिए लेने यहाँ पे कैंडल्स लेने की स्पेशली क्योंकि यहाँ का बहुत नाम है काफ़ी जगह है इस जगह के बारे में आप देख सकते हैं डिफरेंट ये रेड में ये अलग 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 लैम्प स्टाइल में और भी बहुत सारे कैंडल्स हैं बाकी अंदर जाके तो नहीं दिखाई आपको तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे और भी कुछ जगह जो जो चीज़ आती रहेगी दिखती रहेगी आपको ज़रूर दिखाएंगे हम। हाँ मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पे ये जो केमिस्ट वाला है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों को, क्यों पड़ती है सर में दर्द हो जाता है चलते चलते बाकी आप लगा लेना अपने आप ठीक ठीक लगा लेना जो तुम्हें लगेगा और काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ जैसे हर जगह के रेस्टोरेंट नहीं होते अच्छे बेटर रेस्टोरेंट आपको खाने के लिए जैसे ज़्यादातर आपको लगता है और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे नाना का रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका खाना बहुत अच्छा है और आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं घूमने के लिए खाने के लिए कुछ आपको शॉपिंग करनी हो इसलिए तो ये सब चलता रहता है यार और बाकी भीड़ तो है ही चलते रहते हैं और अच्छी मॉल है कपल बहुत है यार यहाँ पे तो दिल में थोड़ा थोड़ा दर्द होता ही रहता है दुकान चल रही है ना यार तो सर में दर्द होता है ना वो बोलती है चोना ये चाहिए चोना वो चाहिए तो भाई मैं भी तो यही सोना मोना करके पता नहीं क्या क्या लेती रहती है जो भी है यार पर्सनल लाइफ और अलग अलग रेस्टोरेंट हैं पूरे मॉल रोड पे दो ही रेस्टोरेंट सबसे अच्छे हैं एक तो दिल्ली दरबार और ये मचान जो सबसे ज़्यादा चलता है मचान लेकिन उसके हिसाब से ये बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ मतलब थोड़ा बजट आउट हो जाता है लाइक पैसा तो आज के टाइम पे अपनी जेब के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं आके खाना है ऐसे ऑप्शन आपको पीछे भी मिल सकते हैं और आगे आप चलते हैं तिब्बतन मार्केट और तिब्बतन मार्केट के बारे में बताएंगे मेरे पार्टनर। सो यहाँ पे ये पूरी तिब्बतन मार्केट है मैं दिखा देता हूँ आपको ये वहाँ से इनकी पटरियाँ लगनी चालू हो जाती है बाहर की जो लोकल पटरियाँ होती है यहाँ से देख सकते हो एक मिनट अजान हो रही है तो अजान के बाद इसलिए रुक गया था क्योंकि सामने मस्जिद है और अजान चल रही थी मस्जिद में इसलिए
तो मैं बता रहा था आपको ये पूरी तिब्बतन मार्केट की पटरियाँ लगती हैं और यहाँ से चलते हैं हम मेन तिब्बतन मार्केट में। हाँ जी, तिब्बतन मार्केट है जो मेन, वो काफ़ी यहाँ की सबसे पुरानी मार्केट है बताते हैं ऐसा। और यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, इसी तिब्बतन मार्केट में सारी पटरियाँ मिलती हैं, आप छोटे छोटे कुछ भी ले सकते हो। और मेरे हिसाब से ना मेनली जो ये मार्केट है वो लेडीज़ के लिए ज़्यादा है, क्योंकि देखो पर्स क्लच और ये सब चीज़ें मेनली। अभी ये यहाँ का जो गुरुद्वारा है वो ये है, और दो मिनट यहाँ पे एक मत्था टेकते हैं, उसके बाद मेन जो तिब्बतन मार्केट है वो ये है। तो मैं चाहता हूँ कि ना आप एक बार यहाँ का पूरा वॉक अराउंड देख लो कि यहाँ की जो तिब्बतन मार्केट है वो लोकल मार्केट है, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चलते हैं वो चलते हैं चौमिन मोमोज। तो चौमिन और उसमें मोमोज, मोमोज में चौमिन भरती, कमाल है भाई। ऐसे क्रिएशन बहुत सारे हो सकते हैं और भी, है ना? तो नैनीताल वालों ने बनाया? हाँ, हम भी बना देंगे शाही पनीर मोमोज। मोमोज खरीद लेते हैं और शाही पनीर में डाल देंगे। तो मेन तो हमारा रीज़न यहाँ पे आने का था क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग तो करनी है नहीं, और यहाँ पे शॉपिंग करने का मतलब भी नहीं होता। तो मेन जो यहाँ का रीज़न था वो यहाँ आने का वो ये था कि यहाँ की मेरे को आपको लोकल मार्केट आपको दिखानी थी, और यहाँ पे कालका जी का मंदिर है वो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, चेक करा देता हूँ, और आप देख लो कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है शॉप्स पे, वो चाहे गर्ल्स के लिए हो, बॉयज़ के लिए हो, आप किसी के लिए भी ले सकते हो, गर्लफ्रेंड्स के लिए हो, किसी के लिए भी ले सकते हो। तो दिखा दे एक बार कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ये वो मंदिर, तो सबसे मेन बात तो ये है कि यहाँ पे हुई है एंट्री बंद मंदिर की हमारे हाथ ही, हमारी किस्मत है ना एक नंबर। और तेरे को कुछ खाना है यहाँ पे? तुम ही तो बोल रहे हो मोमोज में चौमिन, चौमिन मोमोज, मोमोज यार मेरे को तो खाने नहीं है, तेरे को ट्राई करना है। एक ट्राई करना है? हाँ। तो ट्राई कर लेते हैं, आजा चल। ऐसा ना हो ना कि आए नहीं, आए भी और ट्राई भी नहीं किया। हाँ, तो ट्राई कर लेते हैं चल के, ठीक है। सो आज किस्मत इतनी अच्छी है अपनी कि मंदिर गए मंदिर बंद, और मोमोज चौमिन चौमिन मोमोज लेने गए वो भी बंद, वो भी बंद, मतलब खत्म हो गए उन पे, खा गए भाई सारी पब्लिक। तो बाकी अब चलते हैं डिनर करने दिल्ली दरबार पे। और चिकन बिरयानी बनाई थी और मस्त है, आओ तो ट्राई जरूर करना, अच्छा है, छोटा साइज स्पेस ज़्यादा नहीं है, अच्छा है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये ज़माना चल रहा है काफ़ी स्नैपचैट इंस्टा इंस्टा का, तो सॉफ्टी की इंस्टा पे फॉलो डाल दिया क्या क्या भाई? इंस्टा पे दोनों को फॉलो कर लेना, DVRM3 एस तिवारी 827। हर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कि हम कहाँ अपडेट, हर छोटी छोटी अपडेट स्टोरीज के अपडेट, तो जाके अभी जो ये लिंक आ रहे हैं इन दोनों को जाके फॉलो कर लेना अभी के अभी, आपको इससे हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, जो इंटरेस्टेड होंगे वो जानेंगे। और मैं इंस्टा पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, सॉफ्टी इन्जॉय कर रहे हैं तो लेते पूरा। टोरा टोरा तो भाई मैं, हम इंस्टा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो आपको पता लगता रहेगा कि फॉलो कर लेना जल्दी से। सॉफ्टी खा रहे थे दिल्ली दरबार के बाद, 40 रुपए की एक है, 50 दिए लेकिन 50 दिए हैं, 10 रुपए 20 रुपए टिप, 20 रुपए टिप है। तो देखो दोस्तों एकदम से यहाँ पे हमें क्या दिखा, और अभी अभी पीछे कैमरा रखा हुआ है और मेरे को नहीं पता था, मैंने एकदम से फोन की इससे शूट कर रहा हूँ, ये देखो ये देखो क्या चीज है, ये पैंथर है, और सोचा नहीं था मैंने कभी ये मेरे को दिखेगा यहाँ पर, वो भी ऐसे। एक बार चल छेड़ते हैं इसको यार चल के। अरे पागल हो गया, क्यों छेड़ते हैं, दिमाग ठीक है यार, यहाँ छेड़ दे, ये हमें छेड़ देगा एक मिनट में। अरे ना भाई पीछे कर लो गाड़ी में, तो कह रहा हूँ यार। और भाई फाइनली होटल पहुंच चुके हैं, और रास्ते में आपको देखा आपने कि हमें पैंथर दिखा, फोन से हमने जल्दी जल्दी में शूट किया, तो रिस्की है थोड़ा यहाँ पे मामला, रिस्की और हो जाता अगर उतर जाते हम तो। नहीं इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, नहीं नहीं उस टाइम तो जोश जोश में आ गई थी बात, उतर लेते हैं।
तो गुड नाइट करते हैं सभी को, और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद हो, क्योंकि दोनों ही थे हम, कोई और था नहीं। और ये बात कहना चाहूँगा आपसे कि यहाँ के छोटे मोटे स्कैम्स से आप बच सकें, और आपको मैं नैनीताल इंजॉय कराना चाहता था, और कभी आप आते हैं तो थोड़ी सी थोड़े से अगर आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अगर सतर्क रहेंगे, थोड़ा सा प्रिकॉशंस यूज कर लेंगे, तो आप बच सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। पहली बात तो कभी भी यहाँ पर आओ होटल्स में नैनीताल। मैं आपको बार बार शुरू से ये व्लॉग में बोलता रहा कि मई जून में मत आना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज हमने जो देखा यहाँ पे रात को वो कुछ और ही था। यहाँ पे एक मिथ क्रिएट करा जाता है, एक मिथ कह लो, एक हवा कह लो, वो बनाया जाता है कि भाई फुल पैक है भाई, और ये तुम्हारे दिमाग में इतना घुस जाएगा कि तुम्हें लगेगा बेंचो ये तो पूरा ही पैक है, जगह ही नहीं है, यहाँ तो जगह ही नहीं है, होटल नहीं है, हमें ये मिल गया वही बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल भीड़ थी, इतना भी पैक नहीं था जितना होता है नैनीताल। तो ये मेरे को एक स्कैम ही लगा, और मुझे किसी ने यहाँ के लोकल बंदे ने ये बात बताई भी कि हम ये करते हैं ताकि मई जून में होटल्स के अच्छे रेट आपको बताए जा सके, उनके रेट बस इसलिए। तो आप कभी भी आओ यहाँ पे, ऑनलाइन होटल्स आप पहले बुक करके आओ, यहाँ के भरोसे मत रहना। हाँ ये ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमेशा गो आई बी आई वो ओयो ओयो पे ही बुक करके आना, इससे तुमको ये स्कैम से बचने को मिलेगा और तुम्हें जेन्युइन प्राइस पे वो रूम्स मिल जाएंगे। तो पता नहीं व्लॉग छोटा बना है लंबा बना है, वो तो जब पूरा ही एडिट होगा तब आपको पता लगा होगा। जैसा भी बना है ठीक है, अच्छे से बना है, काफ़ी टाइम बाद व्लॉग्स बनाए हैं, और व्लॉग्स इससे भी बहुत अच्छे आएंगे। और ऑलरेडी वैसे हमने यार नैनीताल का व्लॉग बना रखा है ना। हाँ ऑलरेडी नैनीताल का व्लॉग बनाया हुआ, लेकिन और हमारा एक्चुअली एक प्लान था कि लाइक हम नैनीताल से ऊपर जाना था, काफ़ी जगह जाना था, जो बेसिकली हमारा मोटिव था यहाँ आने का नैनीताल में। हमने सोचा था ये फर्स्ट हमारा एक स्टे होगा जहाँ हम रुकेंगे, बट हर जगह भीड़ भी है यार, आप जैसे आप सभी ने नैनीताल के अंदर देखा काफ़ी भीड़ है, बहुत लोग मारा मारी पड़ी हुई हर जगह। तो इस वजह से अब हमारा प्लान चेंज हो चुका है, मूड चेंज हो चुका है, तो अभी डिसाइडेड नहीं है कि अभी हम कहाँ जाएंगे, अभी हम डिसाइड करेंगे बैठ के कि कल हमें कहाँ जाना है। वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो जब तक के लिए चलें, राम राम, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, नमस्कार, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर है। द रियल वन हॉन्टेड के बाप, रियल 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 वन करते कांड खुले आम, रियल 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 वन मौज चाले सुबह शाम, रियल 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 वन चाटे शाटे धर देंगे, रियल 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 भारत दिक्कत कर देंगे।